Now, the men who gang-raped and brutally assaulted the young woman that India came to know as Nirbhaya will be executed at 7 a.m. now on the 22nd of January. A Delhi court issued death warrants in response to a plea from Nirbhaya's parents to expedite the hanging process. It's been a seven-year-long battle for justice for Nirbhaya's parents, Asha Devi and Badrinath. They join us this evening on Newsbreak to share their thoughts. Asha ji, Badrinath ji, NDTV ke saath baat karne ke liye aapka bahut bahut shukriya. Insaaf ki ladai aapke liye bahut lambi rahi hai. 7 saal beet gaye. Apradhiyon ko ab 22 January phansi di jayegi. Aapke dil pe kya beet rahi hai is waqt? देखिए इस मैं 7 साल से संघर्ष कर रही थी तो कल पटियाला कोर्ट हाउस में उनका डेट डिसाइड हो गया तो मुझे अब उम्मीद है पक्की उम्मीद जगी है कि नहीं अब उनको फांसी हो जाएगी तो मुझे तसल्ली है कि हम फैसले के और करीब पहुंच गए और डेट भी डिसाइड हो गया तो मुझे अब कोर्ट पे अब विश्वास है कि उनको 22 तारीख को फांसी हो जाएगी हालांकि 7 साल की लड़ाई बहुत दर्दनाक रही बहुत चुनौतीपूर्ण रही लेकिन मैंने धैर्य के साथ इसको लड़ा और आज आखिरी मुकाम पे हैं कि अब उम्मीद है कि उनको फांसी हो जाएगी क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ निर्भया और निर्भया के माँ बाप का नहीं था ये लड़ाई पूरे देश का था पूरे समाज का था देश की बच्चियों का था महिलाओं का था सबका था तो मैं इस चैनल के माध्यम से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 7 साल से जिस तरह से हमने धैर्य बना के इस लड़ाई को लड़े उसी तरह से 7 सालों से हमारे साथ आप लोग जुड़े रहे हमारे को हिम्मत दिए और उसी हिम्मत के साथ हमने इस लड़ाई को लड़े और आज हम आखिरी मुकाम पे हैं कि अब निर्भया को इंसाफ मिलेगा देश के बच्चियों को इंसाफ मिलेगा मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से अपने सभी मीडिया भाइयों बहनों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी तो ठीक किया लेकिन बच्चे साये की तरह हमारे साथ लगे रहे तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सबके सहयोग से आज उस मुकाम पर है कि निर्भया को इंसाफ मिलेगा जी आपकी साहस को भी दाग देनी पड़ेगी क्या आपको लगता है लेकिन कि इस मामले में सभी पक्षों के साथ इंसाफ हुआ है जी बिल्कुल हुआ है सब सब सभी ने अपनी अपनी भागीदारी बहुत अच्छे से निभाई लेट हुआ जो युधिष्ठिरी के कारण हुआ क्योंकि सब कुछ है पुलिस है प्रशासन है युधिष्ठिरी है कानून है लेकिन जो इसमें लंबा खींचा वो कारण है कि कानून तो है सजा है लेकिन समय बाउंड नहीं है कहीं भी समय निर्धारित नहीं है कि कहाँ पे कितने समय के अंतराल में रिव्यू करना है पटिशन करना है जो इस केस को लंबा खींचा कोर्ट फास्ट टेक कोर्ट में चली फिर भी 7 साल लग गया हमें जी सारी चीजें पता नहीं थी बहुत चुनौतियां हुई हाँ जी लेकिन जो 2.5 साल का समय जो निकला बहुत दर्दनाक निकला बहुत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो अनलिमिट टाइम है वो मुजरिमों को सपोर्ट करता है क्योंकि उनको जब मैं कोर्ट में गई तो पता लगा कि मैंने कोर्ट का हाथ कानून से बंधा है उनको वार्निंग नहीं कर सकता सरकार में गई सरकार कर रहा है कोर्ट करेगा तो यहाँ मुझे बहुत परेशानी हुई लेकिन फाइनली कल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि नहीं उनको 22 तारीख को जी जी बिल्कुल तो आशा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी इंसाफ मिला जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कुछ हफ्ते पहले तेलंगाना में वो पुलिस ने आरोपियों को अपराध स्थल पर ले जाकर एनकाउंटर कर दिया क्या आपको लगता है कि वो इंसाफ था देखिए
अब जो 22 तारीख को इनको फांसी की सजा होगी वो इंसाफ तो होगा, लेकिन बहुत देर हो गई। लेकिन जो वो हुआ, वो जो वो क्राइम करे थे उसका सजा उनको नहीं मिली। उनको सजा मिली कि पुलिस के कस्टडी में थे, मुजरिम थे और भागने की कोशिश की, वहां पे उनका इनकाउंटर हुआ। अगर उस हालात में उनका इनकाउंटर नहीं होता तो या तो पुलिस का होता या भाग जाते। तो भाग जाते तभी भी सवाल उठता। तो मैं मानती हूं कि जो उस सिचुएशन में हुआ वो ठीक हुआ। इंसाफ लोगों ने इसलिए माना, हमने भी इसलिए माना कि हम 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आज भी वो मुजरिम जिंदा है। तो हमने या लोगों ने इस युद्ध हिस्ट्री में लेट के वजह से खुशियां मनाई कि चाहे जिस वजह से उनकी मौत हुई, एक बच्ची को इंसाफ मिला। बद्रीनाथ जी, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि अपराधियों को फांसी देने से ऐसी अन्य भयानक घटनाएं रुक जाएंगी? निर्भया के साथ जो हुआ वो और किसी के साथ नहीं होगा। बद्रीनाथ जी, ये प्रश्न आपके लिए है, ये सवाल। हमारी आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, ओके, आई थिंक ही कांट हियर अस राइट नाउ, सो आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन टू आशा देवी। आशा जी, अपराधी मुकेश की माँ ने आपसे अपने बेटे की जान की भीख मांगी, क्या आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे हमें? आखिर आप भी एक माँ हैं। देखिए, 7 साल पहले हमने बेटी खोया था। जिस हालात में हमें बेटी मिली थी, खून से लथपथ उसका पूरा शरीर था, उसके शरीर पे इतने चोट के निशान थे जैसे लगता था कि मैंने किसी जानवरों ने नोच खाया हो। मैं 7 साल से खून की आंसू रो रही हूँ, तो मुझे कल कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमारे सामने कोई रो रहा है या किसी की जान की भीख मांग रहा है, क्योंकि मैं 7 साल से इंसाफ मांगते मांगते रोते रोते मैं पत्थर बन गई हूँ। तो मुझे कोई नहीं फर्क पड़ा कि कोई हमसे क्या कह रहा है। 7 साल बाद भी वो जगह जहाँ आपकी बेटी मुनीर का बस स्टॉप से बस पर चढ़ी, वो आज भी एक अंधेरी जगह है। आपको क्या लगता है, ऐसी जगह में रोशनी लाने से, सीसीटीवी लाने से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होने से भी सुरक्षा ज्यादा बढ़ेगी? जी नहीं, बढ़ेगी, हद तक बढ़ेगी। जरूरी है कि जहां अंधेरा है वहां रोशनी हो, ट्रांसपोर्ट बढ़े, लेकिन सबसे जरूरी है मैम कि जो घटनाएं हो रही हैं, जो मुजरिम है उनको समय से सजा मिले। अगर फांसी हुई है तो वाकई में फांसी दी जाए, क्योंकि सजा ना मिलना ही क्राइम को बढ़ावा देता है। इसका फर्क समाज में पड़ता है, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो जेल में मुजरिम बंद है वही नहीं है, उसके 4 गुना मुजरिम बाहर घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ तो हमें क्या हुआ। तो सबसे जरूरी है कि वाकई में हम चाहते हैं कि नहीं, हमारी बच्चियां सुरक्षित हो, तो हमारी युद्ध हिस्ट्री को सही मायने में, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट हो तो उसके तहत काम करना होगा, एक समय के तहत सजा देना होगा। क्योंकि आज देख रहे हैं हमारी केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली, फिर भी 7 साल हो गए, आज भी मुजरिम वो जिंदा है, कल उनका डेट फिक्स हुआ है। और इसका फर्क हमारे समाज में पड़ा, हमारी बच्चियों का जान गंवाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर हम वाकई में बदलाव चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि जो आज की स्थिति है बच्चियों के साथ जो हो रहा है, मुजरिमों को पनिश करें। अगर फांसी मिली है तो उनको वाकई में फांसी मिले और जल्दी मिले, ठीक जी, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं, हमारे समाज में बदलाव आएगा। बद्रीनाथ जी, आपसे भी एक प्रश्न करेंगे, एक सवाल करेंगे। आवाज आ रही है जी?
तो ये कोर्ट के चक्कर में इंसाफ की तलाश में अब 7 साल बीत गए, क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद आप अपने जीवन के साथ आप बढ़ पाएंगे? बात आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन इंसाफ के बाद हम बढ़ पाएंगे ये तो हम कह नहीं पाएंगे, क्योंकि जो दर्द हमें मिला है वो तो पूरे जीवन तक है, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा। क्योंकि जो हमारी बेटी के साथ हादसा हुआ, जो हमने उसका सीन को देखा है, उसके एक एक श्वास को टूटते हुए देखा है, वो माँ हो या पिता हो या भाई हो, कोई भी कभी सुख की नींद नहीं सो सकता। इसलिए हमें मानते हैं कि हम वो सुख हमें नहीं मिलेगा और ना ही हम सुख की नींद सो पाएंगे ऐसे। लेकिन इतना ज़रूर खुशी मन में है कि इन लोगों को जो फांसी की सजा कब सुनाई गई है, तो ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, और मुजरिमों के लिए भी एक संदेश है ये कि जो कोई इस तरह का क्राइम करेगा, चाहे देर हो अबेर हो, लेकिन वो बचेगा नहीं, बशर्ते कि हमारे जैसा लड़ने वाला कोई माँ बाप हो। बद्रीनाथ जी, आशा देवी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वॉज निर्भयाज पेरेंट्स स्पीकिंग विथ NDTV। दे फील दैट देयर लॉन्ग बैटल फॉर जस्टिस इज नाउ नियरिंग एन